तो और शूटर लोग कैसे हो तुम सभी लोग, वेलकम बैक टू द गेम वीडियो ऑफ GTA 5। और भाई जैसे कि हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि कैसे हम लोग ने एक शोरूम खोला है। भाई हमारे पास बहुत पैसा था तो उस वजह से हम जो है मतलब कि कैसे लॉस सैंटोस में बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस चल रहा था, तो प्रेसिडेंट ने मीटिंग ली और बोले थे कि ये जो है अभी वॉयलेंस खत्म करके अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करो। तो हमने भाई ये ना बिजनेस जो चालू किया था वो कार शोरूम का कहता, और है ना हमारे लिबर्टी वाले दोस्त थे भाई, हमने गाड़ियाँ इम्पोर्ट करी थी। और अभी हम लोग ना जो पार्टी देने वाले थे पिछले वीडियो में भी हमने ना छोटी मोटी पार्टी रखे थे, अरेंज किए थे शोरूम के बाहर ओपनिंग वाले, पर इस बार जो है हम बड़ी वाली पार्टी देने वाले थे। पर भाई वेट, इस बार हम जो है पार्टी नहीं देंगे, क्योंकि क्या है ना लेस्टर का हमें कॉल आया था कि भाई बहुत ही तगड़ी वाली गाड़ी, भाई उसकी जो है मतलब उसको खबर आई है कि एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी लॉस सैंटोस में आने वाला है उसके कोई शोज़ को लेके या फिर उसके कोई भी एडवर्टाइजमेंट को लेके। अभी खबर पक्की नहीं है तो वो आने वाला है, इतनी तो खबर पक्की है। तो इसलिए भाई लेस्टर ने हमें बताया कि माइकल भाई जल्दी से जाओ और वो गाड़ी चोरी कर लो। वो गाड़ी अगर लेके आए हमारे शोरूम में बेचने के लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा हमें जो है प्रॉफिट मिलेगा। तो हमने भाई जल्दी से फ्रैंकलिन को कॉल लगाया, क्योंकि क्या फ्रैंकलिन को भी पहले से ही बताया, हमारी फ्रैंकलिन से बात हो गई, फ्रैंकलिन को जो है लेस्टर ने पहले से ही बताया। तो भाई ये फ्रैंकलिन जो है उसकी बाइक यहाँ पे छोड़ के चले गया था, तो हम जो है अभी इसकी बाइक हमारे गैराज से लेके जाएंगे। भाई पहले हेलमेट पहन लेते हैं, क्योंकि हेलमेट भाई सबसे बड़ी सेफ्टी है। आप भी कभी भी जाते वक्त हेलमेट पहले पहन लीजिए रोड पे। तो भाई हमने हेलमेट पहन लिया और है ना फ्रैंकलिन की बाइक यहाँ से निकालते हैं, और फ्रैंकलिन को अभी जाना है हमें पिकअप करने के लिए, क्योंकि क्या है ना फ्रैंकलिन यहाँ पे उसकी बाइक भूल के गया था, मतलब भूल के नहीं छोड़ के गया था, क्योंकि क्या है आगे जो है हमें कहीं पे भी जाना पड़े। और हम जो है भाई उसके घर के पास पहुंच गए, यही पहाड़ी वाले एरिया में फ्रैंकलिन रहता है, और यहाँ से हमने लेफ्ट मारा, यहाँ पे ही फ्रैंकलिन का घर है। भाई भाई ये बाइक बड़ी स्लो चल रही है, पर कोई नहीं, हम जो है फ्रैंकलिन के घर पे पहुंच गए। और फ्रैंकलिन भाई यही पे ही मोबाइल पे कुछ चैटिंग कर रहा है, मैंने हॉर्न बजाया और फ्रैंकलिन को बोला भाई बैठ जा, तो फ्रैंकलिन भाई जल्दी से पहले ही हेलमेट उसका अपना पर्सनल वाला हेलमेट लेके आया उसके घर से। तो भाई हम जो है यहाँ से अभी निकल लेते जल्दी से, क्योंकि क्या है हमें जो है वो कार आज के आज कैसे भी करके चोरी करनी है, क्योंकि वो कार चोरी करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आज इम्पॉर्टेंट है। हमने सोचा था कि हम कोई भी अभी चोरी वगैरह कुछ नहीं करेंगे, पर क्या है ना भाई फ्यूचर किसने देखा है, तो हमने भी भाई इस बार चोरी करनी है, अभी ये लास्ट बार चोरी करते उसके बाद जो है हम वापस शरीफ बन जाते। पर ये भाई कार हमें कैसे भी चोरी करनी है, तो भाई कैसे ना चोरी करने के लिए भाई हम जो है हमारे पास गन्स वगैरह बहुत है, मतलब कि क्योंकि क्या है ना वहाँ पर लेस्टर ने बताया कि बहुत तगड़ी वाली सिक्योरिटी है। तो हम पहले मतलब क्या कर रहे हैं, हमारा जो है फेस नहीं दिखना चाहिए चोरी में, इसलिए हम जो है मतलब डेल पेरियो के यहाँ पे बीच जो है हमारा डेल पेरियो का वहाँ पे भाई मैंने ना मास्क का एक दुकान देखा है, जो कि हम एक मास्क पहन के ये पर्टिकुलर चोरी करेंगे, क्योंकि हमारा फेस कभी भी रिवील नहीं होना चाहिए, क्या पता कल को सोशल मीडिया को रिवील हो जाए और हम जो है पूरे पूरे वायरल हो जाए चोर के नाम से। तो हम भाई डेल पेरियो के यहाँ पे पहुँच गए। भाई ये पुलिस की सायरन की आवाज़ मुझे कब से आ रही है, मैं डेल पेरियो के यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो वेट यहाँ पे हमें नहीं जाना है, हमें जो है नीचे के बीच में जाना है। हाँ तो भाई मैं बोल रहा था भाई ये पुलिस की आवाज़ बहुत जो है सायरन की बज रही है, भाई हमें तो नहीं पकड़ने आई, पर खैर हमें जो पकड़ने कैसे आएगी, क्योंकि उनको हमारे प्लान के बारे में तो पता ही नहीं रहेगा। तो भाई मैंने यहाँ पे नीचे टर्न मार लिया, अभी हम जल्दी से यहाँ पे पहुँच जाते और ये मास्क हम पहन लेते। अरे इसकी भैंस की टांग, हम तो इधर से कूद ही नहीं पाए। ये फ्रैंकलिन की बाइक का तो हम तो मतलब पूरा हाल बेहाल कर रहे हैं, यहाँ से हम पीछे से रेस लेते और भाई ये कूदे भाई तेरी भैंस की टांग, इधर से हट जाने तो उड़ा दूंगा बेटा तेरे को। भाई ये डर के भाग गया है हमसे। तो अभी हम जो है यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे राइट मोड़ के। हाँ भाई ये देखो ये बीच आ गया, भाई यहाँ पे मैंने देखा एक मास्क का शॉप, जो कि हम मास्क पहनेंगे और है ना भाई इस चोरी को मतलब जो है हम अंजाम देंगे। और भाई ये कार तो हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई साहब, ये देखो हम यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे कहीं पे था कहीं नज़र नहीं आ रही है वो शॉप, थोड़ा आगे जाते देखते यहाँ पे मिल जाएगी कहीं पे, क्योंकि भाई मैंने देखा था मैंने हर एक लॉस सैंटोस में ना चप्पा मैं जो है यहाँ वहाँ से देखते रहता हूँ। और भाई हम पहुँच गए वो शॉप पे, भाई देखा मैंने कहा था ना ये शॉप यहीं पे बीच पे। तो हम जल्दी से भाई बाइक से उतर जाते और ये शॉप पे मास्क खरीद लेते।
फ्रैंकलिन और मुझे। और भाई जैसे कि हम लोग ने भाई यहाँ पे खरीद लिया है मास्क भाई, हम मेरा तो मास्क देखो मंकी मैन का, और फ्रैंकलिन का एक बार देख लो भाई, ये पिगी मास्क है भाई। फ्रैंकलिन बहुत ही ज़्यादा मेरे को कॉमेडी लग रहा है, मतलब सर्कस वाला आदमी लग रहा है, अब क्या ही बोलूँ। चलो कोई नहीं, हम बैठते हैं, एक बार लुक ही देख लो भाई मेरे मार्क्स का भी। मेरा मंकी मैन वाला मार्क्स है भाई, ये थोड़ा अच्छा सा मार्क्स है, पर फ्रैंकलिन का भाई बहुत ही, मतलब अब क्या बोलूँ, थोड़ा सा कॉमेडी वाला लग रहा है। कोई नहीं, हम बैठते हैं बाइक पे और जल्दी से भाई वापस हेलमेट पहन लेते हैं, क्योंकि हेलमेट इज सेफ। और भाई एक सेकेंड, हेलमेट पहनने के बाद ये मार्क्स तो कहीं निकल नहीं जा रहा है, तो भाई मैंने चेकआउट कर लिया, मार्क्स वैसे के वैसे ही है। कोई नहीं, अभी हम वापस हेलमेट पहन लेंगे और यहाँ से भाई पहले ही निकल लेंगे। तो भाई हमने हेलमेट पहन लिया, अब भाई यहाँ से रेस निकाल के सीधा हमें जाना है उस जगह पे जहाँ पे हमें लेस्टर ने व्हाट्सअप पे लोकेशन भेज दिया है, और मैंने वो है वो ट्रैक्स ट्रेस के लिए लगा दिया है लोकेशन। तो हम जो है यहाँ से भाई फटाफट से हम उस लोकेशन को फॉलो करके हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे उस सेलिब्रिटी, मतलब वो सेलिब्रिटी आने वाला है अपने शो के लिए, मतलब उसका कॉन्सर्ट है क्या है पता नहीं, अभी जो है उधर जाके ही पता चलेगा वो कौन सा सेलिब्रिटी है करके। तो आप भी लास्ट तक वीडियो है ना देखते रहिए कि कौन सा सेलिब्रिटी है कि हम जो है कार चोरी करने वाले, क्या पता आपका फेवरेट सेलिब्रिटी हो। तो हम भाई जल्दी से जल्दी जाते हैं, और ये हमें बहुत ही ज़्यादा दूर का रास्ता तय करना है। ये भाई हम लोग आ गए हाईवे वगैरह पार करके, हम बस ज़्यादा दूर नहीं अभी पहुँचने ही वाले भाई, पहुँचते ही भाई वो कार पहले ढूंढनी है भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कार है। ओ भाई साहब यही वो जगह है, और भाई एक बार लुक देख लो भाई, हम जो है आगे जाते हैं यहाँ पे ना, लेस्टर ने बताया था कि बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है, तो इस वजह से हमारे पास गन्स वगैरह बहुत कुछ है भाई साहब। ये पहले ही एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे, हमें इस रास्ते से जाना है, कहीं वो देख ना ले हमें, वो देख ही रहा है भाई, घूर ही रहा है, ऐसे मार्क्स पहन के कोई नाजीब से लोग आए, पर कोई नहीं, उसको लगा होगा कि हम जो है कॉन्सर्ट शो के लिए आए। वैसे इतनी टाइट सिक्योरिटी नहीं थी सामने के एंट्रेंस पे, हम जो है अभी गाड़ी ढूंढने का भाई है ना देखते, हम जो गाड़ी ढूंढते अभी ये उस सेलिब्रिटी की, क्योंकि क्या है ना हम जितना जल्दी ढूंढे उतना जल्दी अच्छा है भाई। ये क्या कहीं अपने लेस्टर को तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि ये पार्किंग में तो कोई भी गाड़ी नहीं है भाई। ये देखो इधर तो गाड़ियाँ गाड़ियाँ लगी, यहाँ पे जो है हमें चेक करना पड़ेगा भाई। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे तो चेक कर रहा हूँ, पर एकदम खटार ऐसी बकवास सी कार लगे हुए है, सेलिब्रिटी थोड़ी ना ऐसे कार लाएगा। तो भाई ये शायद तक मुझे लग रही, पर नहीं, लेस्टर ने तो हमें बताया था कि उसके आजू बाजू में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, तो भाई ये भी कार नहीं हो सकती है। एक बार ये लुक डालते, नहीं भाई इतनी भी घटिया, मतलब सस्ती कार सुपर कार में वो सस्ती कार तो लाएगा नहीं, और लेस्टर ने हमें बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कार है सुपर कार्स में से। तो भाई साहब हमें फिर है ना पूरा देखना पड़ेगा भाई। ये देखो वही यही जगह है भाई, ये स्टेज रहा, ये यहाँ पे ऑडियंस बैठने की जगह। भाई साहब यहाँ पे तो पूरा का पूरा जो है एकदम अच्छे से मतलब रेडी कर दिया है, यहाँ पे दो जो उनके है मैनेजर वगैरह कुछ भी रहेंगे, अभी हमें तो नहीं पता। आज भाई इधर ये शाम में भाई, मतलब आज की शाम में यहीं पे वो शो होने वाला है। तो भाई हम जो है आगे जाते, अभी इधर ज़्यादा देर तक रुकेंगे तो शायद तक इन लोगों को शक भी आ सकता है। तो भाई हम है ना आगे जाते, इधर ही सेलिब्रिटी वगैरह किधर तो रहेगा, क्योंकि अभी तो वो आया है, यानी कि वो यहाँ पे रेस्ट वगैरह कर रहा रहेगा अंदर ही होटल वगैरह में या फिर इनके रूम में। तो भाई एक बार वापस से चेक कर लेते, क्योंकि लेस्टर की इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं जाती। वेट एक सेकेंड भाई साहब, मुझे ना कुछ तो दिखा है इधर यही दीवार के पीछे भाई, ये गार्ड दिखा है, शायद तक यहाँ पे हो सकता है। और हमने जो है यहाँ पे चेकआउट नहीं किया ये वाले पार्किंग में, तो हमने भाई यहाँ पे लगा दिया हमारी बाइक और एक बार है ना चेकआउट कर लेते, क्या पता यही पे कुछ मिल ना जाए हमें। तो भाई मैं ना चुपके से देखता हूँ कि क्या है, यहाँ पे अगर मिल गया तो, क्योंकि सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा होगी, तो मैं यहाँ पे भाई चेक आउट कर। वे भाई साहब देखा, मैंने आपको बोला था यहीं पे कहीं होगी भाई, वो कार तो देखो भाई, मैं तो उसका फैन हो गया, वो कार देखो एक बारी में, और भाई यहाँ पे सिक्योरिटी तो देखो इतनी ज्यादा तगड़ी लगाई हुई है, बाप रे। अभी इनको कैसे हम निपटाए, मैं एक बार है ना फ्रैंकलिन से बात कर लेता हूँ इसके बारे में, क्योंकि क्या है फ्रैंकलिन के पास अगर कुछ आइडिया हो तो शायद एक फ्रैंकलिन बता दे हमें। तो भाई फ्रैंकलिन भाई यहाँ पे आ जाए एक मिनट। तो भाई मेरी फ्रैंकलिन से बात हुई, फ्रैंकलिन बोला कि भाई तू रुक अभी देख मैं क्या करता हूँ। ये क्या कर रहा है फ्रैंकलिन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, फ्रैंकलिन क्या कर रहा है, उनके सामने गया था अभी भी उनको कुछ नहीं किया। भाई साहब ये क्या, फ्रैंकलिन तो यहाँ पे डांस करना चालू किया, और भाई एक बार इसका डांस देखो, ये कौन सा अजीब सा डांस कर रहा है, बहुत गंदा लग रहा है भाई फ्रैंकलिन, पर क्या करे फ्रैंकलिन भाई, ये क्या डांस कर रहा है।
भाई साहब मुझे तो हंसी आ रही है। और भाई वो गार्ड्स उनके पास ही गए, फ्रैंकलिन के पास ही गए। भाई गार्ड्स कहीं इसको मार ना दे, भाई मेरे दोस्त को अगर मार दिया तो क्या होगा। अरे भाई ये गार्ड्स लोग को तो उसका डांस पसंद आया भाई, ये तो कैसे गार्ड्स है भाई। सिक्योरिटी मतलब गाड़ी को बचाना चाहिए, वो तो फ्रैंकलिन का डांस देखने में लगे हुए। भाई अभी मौका है भाई, मौके पे चौका मारना पड़ेगा। मैंने ये गन निकाल ली है, अब भाई इन लोगों को एक एक करके भाई टपकाना पड़ेगा। भाई ये तेरी बेस की टाट साले, हट तू भी। दो लोग तो टपका ले, तीसरा भी टपका दे ले, चौथा को भी टपका दे ले, पांचवे को भी टपका ले, छठे वाले को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है भाई। ये उठ के भाई वापस तालियां वालियां बजा रहे, इनको भाई नशा वशा चढ़ गया क्या, कोई नशे में साले लोग एक नंबर के। तो भाई मैंने ना सबको टपका दिया भाई, पुलिस भी भाई मजबूत अपने पीछे लगी हुई है भाई, यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे ये क्या तेरी भैंस की टांग, अभी भी तू जाग के हुई तालियां वगैरह बजा रहा भाई। यहाँ से ना भाई जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पुलिस लगी हुई है हमारे साथ। भाई फ्रैंकलिन क्या कर रहा है भाई, तू नशे में क्या, अभी भी डांस कर रहा है भाई। यहाँ पे पुलिस, मैंने इसको धक्का मार दिया भाई, हमें जो है कवर पे एक बार लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या है पुलिस बहुत ही ज्यादा हमें लगी है भाई। एक है भाई फ्रैंकलिन उल्टा हमें ही बोल रहा है भाई। भाई कोई नहीं, चल भाई तू बोल ले, अभी अभी क्या है पुलिस से हमें बच के निकलना है यहाँ से भाई। जल्दी से हम जो है इस गाड़ी में बैठ जाते भाई, नहीं तो ये गाड़ी अगर रह गई इधर तो हम वापस चोरी नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो है हम इस गाड़ी में बैठ गए भाई। एक बार ही लुक देख लो यार, मैं तो इसका मतलब एकदम फैन दीवाना हो गया भाई। ये गाड़ी है कि क्या है भाई? और भाई फ्रैंकलिन बता रहा है कि ये गाड़ी जो है वो भाई किसी और की सेलिब्रिटी की नहीं, वो एक क्रिकेटर की गाड़ी है। मतलब सेलिब्रिटी मान लो भाई, वो विराट भाई की गाड़ी है भाई। उसकी नंबर प्लेट देख लो, फ्रैंकलिन ने बताया। भाई साहब ये तो विराट भाई यानी कि विराट सर की गाड़ी है भाई, विराट कोहली की गाड़ी। हम लोग ने भाई यहाँ से चोरी कर लिए। अब भाई साहब इसकी तो ये बहुत एटीट्यूड दे रहा था, इसको भी मारना पड़ेगा। अरे ये क्या, ये भागवा गया क्या, अंदर ही छुपा होगा। साले को मारना पड़ेगा इसको तो, मार मार। अरे भाई ये क्या, पीछे से तो हमें भी मार रहे ये पुलिस लोग। भाई पुलिस से बचना है तो भाई जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो भाई पुलिस तो हमें ना एक ही झटके में खत्म कर देगी, वस्टेड कर देगी। अरे तेरी भैंस की टांग, देखो अभी आना था क्या साले, एक नंबर का लपड़ झंडू से साले ने अटका दिया पूरा का पूरा। चल भाई जल्दी से निकाल माइकल, हमें यहाँ से निकलना है भाई। ये देख भाई, इसने भी हमें ठोक दिया भाई। ये लॉस, ये कॉप्स को हमें ना लॉस करना पड़ेगा इनको। आओ तुम्हारी तो बेटे लोग आओ, अब तुम लोग हाईवे में मेरे से लड़ो भाई, मेरे से क्या ही रेस ले पाएंगे। कहा इनकी 100 किलोमीटर पर आवर चलती है, हमारी स्पीड तो देख लो भाई। विराट भाई की गाड़ी चोरी करके लेके जा रहे हैं हम यहाँ से, तो भाई इनकी तो ऐसी की तैसी, आ जाओ पकड़ लो। अरे तेरी भैंस की टांग, ये देखो बीच का उंगली दिखा रहा है हमें, तेरे को बाद में देख लेता हूँ बेटा। चल भाई यहाँ से कैसे भी करके हमें निकलना है भाई साहब, कोई रास्ता मिल रहा है कि नहीं हाईवे पे हमें निकलने के लिए। अरे इसकी तो ये पीछे से भी हमें जो है टक्कर मार रहे, अभी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। बाबू भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ कि कहाँ से शॉर्टकट में से किधर निकलने का तो रास्ता नहीं है क्या भाई। इनको तो है ना अभी सबक सिखाना पड़ेगा, अभी क्या कर सकते हैं। हमारे पीछे तो प्रेसिडेंट बोला था वैसे नहीं लगेगा, पर क्या है अभी पुलिस तो लग गई है शायद तक जो है, प्रेसिडेंट मुखर गया अपने जो है बातों से। ओ भाई ये हमने यहाँ से उड़ा दी, मैं यही देख रहा था कहीं पे तो मुझे मिल जाए शॉर्टकट। अभी भाई हम जो है इस रास्ते पे आ गए, और भाई आज तो मतलब है ना इस चोरी को हम लोग, मतलब इस गाड़ी को तो हम हमारे हाथ से नहीं जान लेंगे। रुको मैं ये वाले जो है ये वाले टनल से अंदर डाल देता हूँ गाड़ी, शायद तक यहाँ से बचेगी। अरे इसकी तो नाना की टांग भाई, ये भी इधर से आ रहा है पुलिस। भागो जल्दी से भाई, हम यहाँ से ना भाग जाते, नहीं तो क्या इन लोग के हाथ में पकड़ के ना सारे लोग बहुत फाइन भी मारेंगे, और ऊपर से गाड़ी भी हमारे से जाएगी, और हमारा जो बिजनेस चल रहा है ना अच्छा खासा, मतलब अभी चलने वाला है, वो भी बंद हो जाएगा। तो भाई जल्द से जल्द भाई यहाँ से जो है हम निकल लेते। और एक मुझे टनल दिखी, रुकू की नहीं, छोड़ो आगे वाले टनल में जाओ क्या, ये वाले में जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका क्या करो। अरे भाई ये तो पीछे ही भाई, यहाँ से पहले भागना पड़ेगा, नहीं तो ये देख लेगा टनल के अंदर, टनल के अंदर भी हमारा जीना जो है मुश्किल कर देगा। चलो भाई यहाँ से पहले निकल लेते, और एक टनल है भाई, अभी तो मेरे को इसमें घुसना ही पड़ेगा यही वाले टनल में। और हमें जो है, अच्छा ये हमारे लेस्टर वाली गुफा है भाई, इसमें हमें कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि ये लेस्टर वाली गुफा है। लेस्टर ने हमें बताया था कि अगर गाड़ी चोरी करते हो तो ये वाली गुफा में लेके आओ, जो कि है ना अपने फ्रैंकलिन को ये भेजा था, व्हाट्सअप भेजा था। तो हम जो है इस वाली गुफा में आए, थोड़ा सा भाई यहाँ पे आवाज़ कम कर देते गाड़ी से उतर के, क्योंकि क्या है ना अगर इन लोग भाई हम लोग को देख लेंगे तो भाई ये अंदर आ जाएंगे गाड़ी का आवाज़ सुनते ही। और ये वाली जो है, ये वाला जो है,
ये वाले में तो हमको उसको दिखाना ही नहीं है। और भाई इधर से हम जो है निकल लेते हैं, अभी पुलिस का मतलब जो है खतरा हमें नज़र नहीं आ रहा है, पर एक बार यहाँ से निकल लेते भाई। अभी जो है हमें आगे जाके एक गाड़ी लगाना है जहाँ पे हमें लेस्टर ने लोकेशन दिया है। और भाई आप जो हो तब तक के लिए ना भाई ये गाड़ी अपने जगह पे पहुंचने तक है ना आप लाइक कर दो यार वीडियो को, अगर अच्छी लगे हो मतलब को कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है उसमें से आप जो है कमेंट कर दो कि भाई क्या, और कोई फीडबैक दे दो कि वीडियो को और आगे कैसा मतलब इम्प्रूव किया जाए भाई, क्योंकि क्या अपना भी नया चैनल है आप भी जानते हो, तो थोड़ा फीडबैक दिया करो ताकि हमें पता चले कि क्या मतलब आगे क्या करना है इस चैनल में, मतलब और कुछ इम्प्रूव करना है। तो भाई हम जो है इस वाले गुफा में घुस जाते हैं। और भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन मत दबाना भूलना, क्योंकि क्या है अगर वो नहीं सब्सक्राइब करोगे और दबाओगे नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा अपनी वीडियो का, ठीक है। तो थोड़ा हेल्प किया करो और ये जो है वीडियो को लाइक वगैरह शेयर वगैरह एकदम दबा के वायरल किया करो, ठीक है। तो अभी भाई हम यहाँ से उतर जाते हैं इस गाड़ी में से, और हमने जो है भाई हमारे चोरी को दे दिया अंजाम। ये मेरे को लग रहा है ना फ्रैंकलिन पक्का पी के आया भाई, देखो भाई अभी भी गाली दे रहा है भाई, हमने इसको बोला कि पी के आया है उसमें भी गाली दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। आज के लिए वीडियो बस इतना ही, हमने जो है हमारे चोरी को अंजाम दिया और इस गाड़ी को जो है हम मॉडिफाई करके बैनी के पास से ये जो गाड़ी हम बेचने के लिए लगाएंगे या फिर इंपोर्ट कर देंगे लिबर्टी सिटी में, ताकि हमारे ऊपर किसका शक भी नहीं आए। तो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और जितना हो सके उतना शेयर करो वीडियो को, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वाली।